नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, जो बात नहीं करता है आपसे या बात नहीं करना चाहता है आपसे, वह भी आकर गिरेगा आपके पैरों पर, अपने किए की माफ़ी मांगेगा या माफ़ी मांगेगी। पुरुषों के लिए भी है यह वशीकरण और स्त्री के लिए भी है यह वशीकरण। जिस किसी का भी पार्टनर रूठ रहा है तुमसे, अब उदास हो रहा है, दिलचस्पी नहीं दिखा रहा इस रिश्ते में, या तुम्हें छोड़कर चला गया है बहुत दूर, तुम्हें याद आती है उसकी, उसे याद नहीं आती है तुम्हारी, तब केवल सात चावल के दानों से आज बताने जा रही हूं एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। हमारे इस आधुनिक युग में केवल फोन ही एक ऐसा माध्यम होता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। अब चिट्ठी और पत्र का जमाना ही नहीं रहा। लेकिन क्या करें कि जब आपका पति या आपका प्रेमी, आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका आपको फोन पर ही ब्लॉक कर दी हो। यदि आपका पति आपको फोन पर ब्लॉक कर दिया हो, फिर बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती, बात करने की कोई बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि फोन तो ब्लॉक है। बहुत बड़ी समस्या है और आज के ज़माने की सबसे कॉमन समस्या, बात बात पर लोग ब्लॉक कर देते हैं। यदि बरसों से आपके पति या प्रेमी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अब आप संपर्क बनाने में बिल्कुल समर्थ नहीं है उनके साथ, अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, तब भी ऐसी परिस्थिति में आप सात चावल के दाने केवल इस जगह बिखेर देने हैं उसका नाम लेकर। सामने से आपके कॉल को अनब्लॉक करेगा, सामने से आपको कॉल करेगा। सात समंदर दूर क्यों ना चला गया हो वह आपको छोड़कर या आपसे ऊब कर, तो भी वह भाग कर आएगा आपके पास, आपसे बात करेगा, आपको सम्मानपूर्वक लेकर जाएगा। अद्भुत है, चमत्कारिक है, दिव्य है ये प्रयोग। मित्रों, जो प्रेमी और प्रेमिका एक ऐसा संबंध है जिसकी एक दिन की भी गारंटी नहीं, यो तो बहुत प्रेम है आप दोनों में, ऐसा लग रहा है जैसे सात जन्म साथ निभाने वाले पति पत्नी से भी अच्छे हम हैं, इतना प्रेम एक दूसरे से करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि किस दिन दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर की नीयत बदल जाए इस रिश्ते के प्रति। यदि ऐसा हो रहा है आपके साथ भी, आपका प्रेमी अब नहीं दिलचस्पी दिखा रहा आप में, विवाह करने को इच्छुक नहीं है, अब नहीं चाह रहा वो किसी कीमत पर आपसे विवाह करने के लिए, तब ऐसी परिस्थिति में सात चावल के दाने के ये अद्भुत वशीकरण से आप उसको फिर से इच्छुक कर सकते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। विवाह भी करेगा तुमसे, इस संबंध को आगे भी बढ़ाएगा। यदि प्रेमिका बदली बदली से नजर आ रही है, लग रहा है कि अब इस संबंध को वो आगे लेकर नहीं जाएगी, बोली बदल गई है उसकी, तब भी ऐसी परिस्थिति में मेरे मित्रों आप यह प्रयोग करें। जब लगने लगे कि अब कुछ ठीक नहीं है और अब सब कुछ ठीक हो भी नहीं सकता है, तो इस परिस्थिति में भी यह प्रयोग सब कुछ ठीक कर देगा। संपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुने, संपूर्ण जानकारी आपके लिए भी अच्छी है, आपके अपनों के लिए भी। वीडियो को स्किप करके ना देखें। और जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि जो पहुंचाना चाह रही हूँ आप तक, वह पहुंचे सीधे आप तक। घबराना नहीं है मित्रों, कई ऐसे ग्रह होते हैं कारक जो दाम्पत्य सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं, कई ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे शुक्र हमारा खराब हो जाए, गुरु ग्रह खराब हो जाए, कभी सूर्य तो कभी शनि, और कभी कभी राहु सताता है जो संबंधों को बनने नहीं देता। चाहे कोई भी ग्रह दूषित हो, आपके बर्थ चार्ट में एक छोटे से वशीकरण से वह सुधर जाएगा, सवर जाएगा आपका प्रेम भरा रिश्ता, और फिर से सब कुछ, आपको खुशियों भरा संसार वापस मिलेगा। मित्रों, यह उपाय आप शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक संडे किसी भी दिन करें, परंतु शनिवार को ना करें। शरीर पर कोई भी रंग का कपड़ा पहने, परंतु काले रंग का त्याग करें। जिस दिन भी आप यह प्रयोग करें, उसे नॉनवेज ना खाएं, मदिरा का सेवन ना करें, अर्थात किसी भी कुरीति से, किसी भी अभद्र व्यवहार से, क्रोध से आपको दूर रहना है, अर्थात आपका मन बहुत शांत हो, प्रेम जागे सबके प्रति, मुस्कुराहट रहे आपके चेहरे पर। ऐसा करने से आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है, और जब शुक्र मजबूत हो, गुरु ग्रह मजबूत हो, उस वक्त आप जो भी वशीकरण करेंगे वो बहुत ही जल्दी असर करता है, कार्य करता है। आप
बहुत अच्छे मन को शांत कर ले, आसन लगाकर आप एक जगह बैठ जाएं। आसन में भी जरा सा भी काले रंग का प्रयोग ना हो, ध्यान रखें। जो भी कपड़ा आप बिछाएं बैठने के लिए, पूरब या उत्तर की दिशा में बैठ जाएं और किसी पवित्र स्थान पर बैठें। छत पर बैठ सकते हैं, आसन पर बैठ सकते हैं, अपने लिविंग हॉल में बैठ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको साफ सुथरा जगह हो। आसपास चप्पल जूते ना खुले हुए हों, कोई गंदगी बिखरी ना हो। आप 7 अरवा चावल के दाने लें, अक्षत के दाने, और दाहिनी मुट्ठी में बंद कर लें। उससे पहले आप इसके लाल रंग का मार्कर लें और दाहिने हाथ की हथेली पर अंक 7 लिख दें। 7 लिखने के बाद आप 7 दाने अखंडित चावल के दाने इस पर रखकर मुट्ठी को बंद कर लें। सर्वप्रथम आप 3 बार फूंक मारकर 3 बार उस व्यक्ति का नाम ले लें जिसे आप अपने पास फिर से बुलाना चाहते हैं या चाहती हैं। उसके बाद आंखें बंद कर लें और सर्वप्रथम उस व्यक्ति को याद करें, उसकी अनुभूति करें, उसे सोचने का प्रयास करें। ऐसा लगे जैसे चाहे वो कितना भी दूर हो, दूसरे शहर ही क्यों ना चला गया हो, आपको मायके में छोड़ गया हो, उसे इतनी गहरी अनुभूति करें कि ऐसा आपको लगे कि बिल्कुल वो आपके छत पर आपके साथ है, आपके आंगन में आपके साथ है। उसे देखने का प्रयास करें। जब वो मुस्कुराता हुआ आपको दिखने लगे, बिल्कुल उसकी अनुभूति आपको होने लगे, खसमसाहट सी सुनाई देने लगे, ऐसे दिल से आप उसे याद करें। जब भी हमें किसी का वशीकरण करना होता है तो उसकी अनुभूति में बहुत पावर होती है। आप बहुत गहरी अनुभूति करें और जब वह आपको बिल्कुल महसूस होने लगे, तब एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को केवल 7 बार बोलें। अमुक नीला प्रेम वश्य। अमुक के स्थान पर वही व्यक्ति का नाम लें जिस व्यक्ति को आप अपने पास फिर से बुलाना चाहते हैं। इस मंत्र को 7 बार जप करें और 7 बार जब करने के बाद इस जो चावल के दाने अपने मुट्ठी में बंद किए, इसे अपनी ज़ुबान पे थोड़ी देर के लिए रख दे, अर्थात अपने मुंह में रख दे, और उसके बाद इसको थोड़ी देर 1 मिनट तक मुंह में रखने दे। उसके बाद एक पेपर पे इसको बाहर उगल ले, खाए नहीं, और मोड़ कर रख लें। उसके बाद आप इस आसन से उठ सकते हैं, जल पी सकते हैं, अपने ऊपर जल छींट लें, या वशीकरण आपका यही पूर्ण होता है। परंतु यही चावल है जो आप तक आपका प्रेम वापस लाने में सहायता देगा। अब आपको ज़रूरी नहीं उसी दिन, किसी भी दिन, अगले दिन, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, इस अभिमंत्रित चावल को उस स्थान पर जाकर छींटना है जिस स्थान पर आपका पार्टनर कभी तो रहता होगा। यदि आप उसके घर में रहते हैं और वो वहीं पर नहीं रहता, तो आप उसके बेडरूम में जाकर छींट दें। वो जहाँ काम करता है उस ऑफिस में जाकर छींट सकते हैं। वो जिस कॉलेज में पढ़ता है, आप उस कॉलेज के उस क्लास में छींट सकते हैं। ज़रूरी नहीं उस चावल पे उसके पाँव पड़े, वो खुद ढूंढ लेगा ये चावल, क्योंकि उसके नाम से अभिमंत्रित किया है आपने। परंतु वो जहाँ उसका आना जाना था, उसका एक ऑरा था, उसकी खुशबू बसी हुई है जिस स्थान पर, जहाँ उसके कपड़े होते हैं, उसके बेड होते हैं, आप उस स्थान पर उस चावल को छींट दें, 7 दाने चावल को। सेम डे करने की आवश्यकता नहीं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तब जाकर पूर्ण होता है ये अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। देखिए कैसे भागकर आपका प्यारा आपके पास आता है, अपने किए की माफ़ी मांगता है और आपको अपनाता है। जो अनुभव किया आपने मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।